जयपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिरनपुर मामले की होगी सीबीआई जांच। गृह मंत्री विजय शर्मा ने की घोषणा, बिरनपुर हत्याकांड के पीड़ित ने उठाया मुद्दा। विधायक ईश्वर साहू ने सदन में उठाया मुद्दा, आरोपियों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। ईश्वर साहू की मांग पर गृह मंत्री ने की घोषणा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां पर ईश्वर साहू की मांग पर गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिरनपुर मामले की सीबीआई जांच होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की घोषणा कर दी है। बिरनपुर हत्याकांड के पीड़ित ने मुद्दा उठाया है। यहां पर विधायक ईश्वर साहू ने सदन में मुद्दा उठाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि यहां बिरनपुर हत्याकांड का मामला सदन में गूंजा है, क्या कुछ जानकारी? सीबीआई जांच को लेकर घोषणा भी की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान ईश्वर साहू ने विधायक के रूप में ये मुद्दा उठाया। ईश्वर साहू के बेटे पुनेश्वर साहू की हत्या की गई थी। ये अभूतपूर्व क्षण रहा जब कोई पीड़ित व्यक्ति विधायक के रूप में सदन में पहुंचा और सदन में पहली बार उसने इस विषय को रखा, तो ये सदन के इतिहास में भी एक अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज हुई। इसके साथ ही साथ इस मामले में उन्होंने न्याय की अपील की, न्याय की गुहार लगाई और जांच को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की, बिरनपुर में जो हत्याकांड हुआ था, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाएगा। वर्तमान में जो जांच में कार्रवाई सामने हो आई है, जो कार्रवाई की गई है, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही, उसकी जानकारी भी उन्होंने दी। लेकिन उन्होंने ईश्वर साहू की मांग पर बड़ी घोषणा की कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और आगे जो भी कार्रवाई भी की जाएगी वो सीबीआई के माध्यम से की जाएगी। तो बड़ी घोषणा इस मामले में हुई और साथ ही साथ उनके पराक्रम को भी सराहना की सदन में भी विजय शर्मा ने भी, कि किस तरह से लगातार संघर्ष करते हुए ईश्वर साहू सदन तक पहुंचे और आज वो न्याय की लड़ाई सदन से उठा रहे हैं, न्याय की लड़ाई सदन से कर रहे हैं, तो उसकी भी सराहना की गई और बड़ी घोषणा भी की गई। जी जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको